जेडी टीवी इंडिया की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के सभी अपने लोगों को, देशवासियों को, सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निगम में वार्डों का परिसीमन हो चुका है, इससे किस पार्टी को फायदा पहुंचेगा और किसको नुकसान, आइए बात करते हैं बहन प्रीति से। मेरे एरिया में मैंने जो लोगों के बीच में अपने लोगों को सर्विस दी है, जो टच रखा है, तो उससे अगर थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा कम भी हो गया, तो मैं समझती हूँ मेरे वार्ड में अगर काम हो रहा है तो मेरे साथ वाले वार्ड को भी मेरे लिए बिल्कुल पहचान होगी कि मैं कैसा काम करती हूँ। जहाँ तक पार्टी का इश्यू है तो मैं समझती हूँ कि जो बीजेपी है अभी हाल में कॉरपोरेशन के अंदर बीजेपी ही है, और आप देख ही रहे हैं कि कॉरपोरेशन का क्या हाल है, किस तरह से इन्होंने पूरे कॉरपोरेशन के जितने काम है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, आपका पीडब्ल्यूडी की रोड्स है, हमारी सारी रोड्स उठा के इन्होंने पीडब्ल्यूडी को दे दी, स्लम डिपार्टमेंट जो था वो दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया, तो मैं तो समझती हूँ तो खाली हाथ होके बैठ गए, इन्होंने कॉरपोरेशन बिल्कुल खाली कर दी। रही सही कसर केजरीवाल जी की सरकार ने कर दी। विवेक विहार क्षेत्र में ऐसा कौन सा इशू है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है? विवेक विहार ही नहीं, मैं तो समझती हूँ पूरी दिल्ली के अंदर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये दिखाना चाहती हूँ, देखिए आप कि ये किस तरह से एक लेडी की टांग पे उसने कुत्ते ने बाइट किया हुआ है, और पूरी दिल्ली के अंदर ये हालात हैं कि ना बुजुर्ग सुबह वॉक पे जा सकते हैं, ना बच्चे खेल सकते हैं, ना बाइक पर जाते हुए बच्चों के रोज आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, और मैं समझती हूँ कॉरपोरेशन के अंदर करोड़ों रुपए का बजट जो है वो इनको दिया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। पिछले 3 साल से मेरा इशू हर हाउस के अंदर पहला टॉपिक मेरा यही होता है कि मेनका गांधी जी मिनिस्ट्री में है बीजेपी की, और बीजेपी की जो हमारी कॉरपोरेशन में पार्टी है वो बीजेपी है सत्ता में, तो मैंने उनसे बोला था जैसे गौशाला बनाई जाती है ऐसी एक जगह कुत्तों के लिए बनाई जाए, स्ट्रे डॉग्स के लिए, और सारे कुत्ते उसमें ले जाके रखे जाए और उनको स्टरलाइज वहां किया जाए ताकि उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़े। मेनका जी की टीम ने आके कई स्कूल वालों को ब्लैकमेल किया, उनको हरेसमेंट किया, एक शख्स को हमारे एक फैमिली के हमारे फैमिली मेंबर को तो उन्होंने हवालात भी करवाई कि जी आपने तोते मैना पाल लिए। और मैं समझती हूँ मेनका जी अगर आप ये शोर मचाती हो कि कुत्तों के साथ अन्याय नहीं करना, तो जो रोज मुर्गे बकरे भैंस गाय सब कटती है वो भी तो बेजुबान जानवर है, उनके लिए आपका लॉ अलग है और इनके लिए अलग है, तो मेरी समझ से बाहर है।